गाइस हम राम जी के मंदिर आए थे और यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब निकलते हैं। चलिए हम जो कपड़े सुखा के आए थे वो वहीं पे भूल के आ गए, अभी वापस जा रहे लेने। चलिए कपड़े भूल के गए थे कल रात को, सुखाए थे वहाँ पे, अभी निकाल के लाए हैं और पूरा 3 किलोमीटर चले गए थे और वहाँ से वापस लौट के आए हैं। चलिए चलते हैं अभी वापस। हाँ भैया, कहाँ से करिए आप? हाँ खरगोन जिले से। हाँ पूरा अभी तक कहाँ तक घूमेंगे? अभी MP हो गया है, अभी निकल रहे हैं अभी यूपी के लिए। अभी यहाँ से चित्रकूट जाएंगे साइकिल से। धन्यवाद भैया, चलिए भैया ठीक है, जय श्री राम। हाय, कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम पन्ना से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं चित्रकूट के लिए। देखते हैं चित्रकूट से पहले भी स्टॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट बचा हुआ है 120 किलोमीटर। तो क्योंकि आज तो पहुँचना मुश्किल है, तो बीच में कहीं पे ब्रेक लेंगे, देखते हैं कहाँ पे लेते हैं। चलिए और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। कल हम पन्ना पहुँच चुके थे और वहाँ का जंगल भाई साहब 20 किलोमीटर आया और जंगल में वाट लग गई थी। और वो तो अच्छा हुआ कि हमें एक भैया मिल गए थे, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। हेल्प क्या मांगना पड़ी यार गाइस, हेल्प। और इतने बड़े जंगल में रात को सेफ भी नहीं था, इसलिए मैंने भैया के ट्रक में मेरी साइकिल रख दी, वो ट्रक में बैठ के आ गया था। और कल हम रुके थे धर्मशाला में। सफ़र शुरू होने से पहले घाटियां चल गए यहाँ पे, तो देखिए घाट। तो गाइस 2 किलोमीटर चढ़ाव चढ़ने के बाद 2 किलोमीटर का उतार पे आता है मैं बड़ा अच्छा लगता है। सो गाइस यहाँ पे मैं पन्ना में भैया ने 100 रुपये दिए थे, वो हमने गिरा दिए हैं। और अब वैसे भी हमारे पास अभी बचे हुए 70 रुपये बचे हुए हैं। और चलिए देखते हैं अब कहीं पे खाने वाने की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने पास 70 रुपये हैं। चलिए चलते हैं। अकेले हो? हाँ अकेले। कहाँ के हो खास? हम खरगोन जिले के। खरगोन के? हाँ। तो शासन दे रही कुछ सहायता? नहीं कुछ नहीं, अपने खुद से कर रहे हैं। कोई मिलता है तो दे देता है लोग भागों से, मतलब खाने माने मंदिर में आती है, कभी लोग भागों भी सहायता कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, करो यार। ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है ना अंकल। चाचा बैठे हो मस्त। भैया यहाँ पे देखिए ये टर्न ऑन में मोड ऑन में क्या लगी पड़ी इनकी ट्रक वालों उनकी। ये देख रहे हैं नजारा। तो गाइस ये देखिए इतना चढ़ाव उतर के जाएंगे। तो भैया
सो गाइस ये देखिए चढ़ाओ मतलब उतार, और क्या ही लग रहा है यार। ब्यूटीफुल गाइस, गाइस चलिए चलते हैं अपन भी, हमारी साइकिल लगी उधर। कभी यही चढ़ाव में चढ़ना पड़ता तो हम क्या करते, हमारी तो लग जाती भाई साहब। तो गाइस ये पहाड़ों का कमाल, कमाल भी है और बवाल भी है भाई साहब। सोचिए कि ये चढ़ाव मुझे चढ़ाना पड़ता लग जाती, और यही चढ़ाव जब हम कल पन्ना के लिए आ रहे थे ट्रक में बैठ के, तो इसी टाइप का चढ़ाव होने थे वहाँ, लेकिन वहाँ थोड़े नॉर्मल थे यहाँ पे, और वहाँ पे लंबे लंबे चढ़ाव थे, और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट है और टर्न ज़्यादा है, और वहाँ पे सीधे सट लंबे चढ़ाव होने एक एक किलोमीटर के, दो दो किलोमीटर के। और गाइस वाली रोड से हम कल पैदल आए होते, साइकिल से आए होते तो हमारी तो हालत ही लग जाती, और मतलब आ ही नहीं पाते हम, रात को 12 बजा देते या फिर 1 बज जाती हमें। और अच्छा हमारी किस्मत थी कि हमें भैया मिल गए, और हम यहाँ पे साइकिल से लीन करते हुए मस्त। वाह वाह, ये देखो गाइस मैंने बोला था ना ट्रक को एक बार टर्न आपस पीछे लेना पड़ता है रिवर्स में, फिर एक बार आपस आगे लेके सीधे निकल के चले आते हैं, और ये वही ट्रक है जो अभी तक नीचे नहीं उतर पाया है। और भैया काहे बे काहे डरा रहे, तो भैया हमारे हाथ मा कोनो हाथ नहीं है, हमरे साथ माँ कोनो इंसान नहीं है, सिर्फ दिख रहे हैं जानवर, डरने की यही बात है। आए चले भैया याली रोड पे निकलना हमें। फाइनली गाइस हम पन्ना से आ चुके हैं 30 किलोमीटर, और यहाँ से दो रोड जा रहे हैं, एक मेन हाईवे से जाता है और एक ये भी हाईवे है ना, हाँ ये भी हाईवे है मतलब, लेकिन ये 4 लाइन नहीं है 2 लाइन है। तो चले चलते हैं, और हमें ये बच्चे मिले हैं। हाय कर दो, हाय कर दो, चलो चले चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम यूपी में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कलेंजर है, हम आज वहीं पर रुक रहे हैं। गाइस हम किलंजर आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था देखते हैं, और कल सुबह जाएंगे चित्रकूट। तो चलिए हम अभी लोकेशन ढूंढते जा रहे हैं, और यहाँ पे किलंजर में किला, पहाड़ के ऊपर एक किला है, देखते हैं तो सुबह चलते हैं। और ये रहा, देखो दिखाते हैं आपको, ये पहाड़ पे पूरे पहाड़ पे किला बना हुआ है, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी कोहरा हो चुका हो गया है। तो यहाँ पे भाई साहब पूरा किला ही है जो जितना भी दिख रहा है उतना, देखते हैं और कभी हो सका तो कल सुबह चलेंगे। चलिए अभी तो फिलहाल में लोकेशन ढूंढते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। फाइनली गाइस हम किलंजर पहुँच चुके हैं, और हमें यहाँ पे सोने की व्यवस्था करवा दी है भैया ने, और खाने की भी करवा दी है। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। Thank you.